को बताया एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 3-4 दिनों से पूरे देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो खासतौर पे जो युवा है देश के, जो सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों में भारी आक्रोश है, दुखी है और उनकी आत्मा जो है, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर युवाओं की आत्मा अगर मर रही है तो देश की भी आत्मा मर रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो होता है, बहाली जो होती है, रेलवे में होती है, भारतीय सेना में होती है और कई वर्षों तक जो छात्र हैं वो भर्ती के लिए पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, तैयार होते हैं और अंत में अभी जो भारत सरकार का जो नया जो आया है भर्ती को लेकर, जिसको आप सब लोग जान रहे हैं कि अग्निपथ जो लॉन्च किया गया है, लोगों के मन में संशय है, युवाओं के मन में संशय है और खास तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बुलाया है कि भारत सरकार जो है संशय जो युवाओं के दिल में है उसको दूर किया। तो हम 20 सवाल जो है केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं जिसका जवाब कह दूंगा हम लोगों को। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाता है, चाहे SC ST का बिल हो या लैंड एक्विजिशन का हो, कॉमर्स बिल हो या 13-point रोस्टर हो या CAA का मामला आया हो, हमेशा जो है सरकार बिल पेश करती है और उसको जो है जब प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है तो उसको वापस लेती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे में भर्ती को लेकर के हो या NTPC में जो मामला चल रहा था, 1 साल से शांतिपूर्वक ढंग से नौजवान जो है मांग कर रहे थे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंतर्गत हुआ, जब प्रोटेस्ट हुआ, जब लोग सड़क पे आंदोलन किए, सब जाकर के सरकार को जो है ये बिल वापस लेना। अब आप लोग सब लोग के सामने हम चाहते हैं जो 20 सवाल जो है हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। जो पहला जो सवाल है वो ये है, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, तो सरकार जो है स्पष्ट है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें 90 दिन की जो छुट्टियां जो वो सैनिकों को मिलती है, तो क्या इसमें उन सैनिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो है सरकार जो है स्पष्ट है। दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही, जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है तो ये केवल सैनिकों के लिए, अधिकारी के लिए भी कीजिए, जो अफसर हैं बड़े अफसर उनके लिए भी कीजिए, संविदा पर केवल सैनिकों को किया जाता है, तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जो शिक्षित है क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो RSS का कोई इसमें हिडन एजेंडा है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाए और केवल 75% जो है वो हट जाए, केवल 25% की संभावना, यानी बेरोजगार होने की
इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज्यादा है। चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा, अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी? क्योंकि ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल है, जो युवाओं के मन में है संशय है, और अब तक हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा या किसी के द्वारा जो है इस टेक्निकल बात पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल है, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेचुटी देगी? क्या ग्रेचुटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई? आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रेचुटी मिलती है रिटायरमेंट से, तो सरकार को बताना चाहिए मानती है कि नहीं मानती है। अगर सैनिक अगर मानती है तो इनका ग्रेचुटी का क्या होगा? या हम समझ लें कि आप जो है ग्रेचुटी ना देना पड़े इसलिए केवल जो है 4 साल के लिए आपने किया। छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी? सातवां, क्या ये योजना बनाने से पहले सरकार ने डिफेंस एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञों, रक्षा से रिलेटेड जितने बड़े लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी जो लोग हैं, जो एक्स आर्मी के लोग भी हैं, वो उनसे फीडबैक लिया या नहीं लिया गया, कि कोई राय ली गई कि नहीं लिया गया, ये जो है उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो देखा है कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों ने जो है इसको इनकार किया है कि ये योजना जो है हानिकारक है। आठवां सवाल, क्या ये पहली ऐसी सरकारी बहाली योजना नहीं है जिसमें महज 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध गारंटी है? तो ये बताना पड़ेगा। नौवां, इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे, क्या इससे उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अब वो पढ़ाई कब करें, मतलब रोजगार के बाद वो क्या करें? ये सवाल जो है कई लोगों ने जो है जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे हैं, जितने जो युवा हैं वो इसमें जो है इस बात को जो है जिक्र किए हैं। दसवां, विश्लेषकों का मत है कि 70% प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी? ये सब लोगों का है कि शायद जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें जो है प्रॉब्लम जो है विधि व्यवस्था में प्रॉब्लम है। 11, 1 rank 1 pension की बात करते थे लोग, जो सरकार जो बात की 1 rank 1 pension का, आखिर 9 rank 9 pension ले आए? क्या ये नहीं दर्शाता है कि सरकार में प्लानिंग ही नहीं है बल्कि दूरदर्शिता की भी घोर अभाव? 12, सेना में प्रति वर्ष 50-60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं, पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक सैनिक रिटायर हो चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। सरकार अब कह रही है कि कुछ हजार की बहाली करेंगे, वो भी 4 साल के ठेके पर, क्या यह युवा के साथ विश्वासघात नहीं है? रिक्त पदों पर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करती? मतलब 1.5 लाख लोग रिटायर्ड हो गए, अब तक जो है बहाली जो है अब तक नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट अब तक नहीं हुआ, और जो होने जा रहा है वो नए स्कीम से जो है अगली पथ स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 4 साल का ही। 13, अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे व भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे? सरकारी कर्मियों की पेंशन बंद करने के बाद क्या बीजेपी सरकार
अब स्थायी नौकरियों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई। हमारा 14वां सवाल है, अगर भाजपा को ठेकेदारी प्रथा इतनी ही पसंद है तो क्या सबसे पहले बीजेपी के जितने मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवा दें? 15वां, एक तरफ सरकार लाखों बड़े पूंजीपतियों और चंदा जीवी दियों के लाखों करोड़ के लोन और कॉर्पोरेट टैक्स माफ करती है और दूसरी तरफ सेना के बजट में कटौती करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोन जो है कॉर्पोरेट्स के उन्होंने दे दिए हैं और बजट में लगातार जो है कटौती चलती रही है। विगत 8-9 साल में ही 11 लाख करोड़ से अधिक लोन वेव जो है माफ किया गया। दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग की गई, नाम पर सेना में ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे सेना भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिष्ठान है। क्या सरकार सेना के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 16वां, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती? क्या सरकार को बेरोजगारी के मसले पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करना चाहिए? 17वां, भाजपा सरकार बताए कि देश के 70% युवा नौकरी को लेकर इस वक्त तनाव में नहीं है। क्या 18वां, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता के दोषी सरकार नहीं है? 19वां, 10 लाख से अधिक पद तो केंद्र सरकार के अधीन विभागों में रिक्त पड़े हैं, क्या 8 वर्ष में इन पदों को रिक्त रखने के दोषी युवा है या विपक्ष है? मतलब आप देखिएगा, अभी भी केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां जो हैं, पदे जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन दोषी जो है, जब हिंसा उत्पन्न होती है, युवा आक्रोश में आते हैं तो विपक्ष को ठहरा दिया जाता है। और जो आखिरी जो सवाल है, क्या भारत सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी 2022 तक यानी 80 करोड़ रोजगार, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख धन और उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का लोक लुभावन आश्वासन नहीं दिया था?